हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज चालू हो चुका है, जहां पर मैंने चार वीडियो मींस व्हाट चार लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। आज जो लेक्चर नंबर है क्या है, लेक्चर नंबर 4 है। और जहां पर अगर तुम लोगों ने वो चार वीडियो नहीं देखा रहेगा तो प्लीज़ एक बार जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड किया है, अगर देख लेना, अच्छे से समझ लेना, तो इस वीडियो पर जम कर लेना, ठीक है। आज चलो जो चालू करने वाला हूँ क्या है, एक्सरसाइज 1.1 फॉर 11th साइंस, एक्सरसाइज 3.1 फॉर 11th कॉमर्स। कॉमर्स वाले में जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है थोड़े कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग स्किप करेंगे। और 11th साइंस वाले, तुम्हारे पास तो क्वेश्चन है जितने हैं, उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर चीज लिखा है क्या, टिप्स, लर्न फॉर नॉलेज नॉट फॉर द मार्क्स। अगर तुम लोग नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो यहाँ पर मार्क्स अपने आप आ जाएगा, तो इसका मतलब तुम मार्क्स के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। जो कंटेंट दे रहा हूँ प्लीज उसको लिखते जाना। एक रिक्वेस्ट है, पेन और बुक निकाल लो, नहीं लिखा रहेगा तो मुझे लगना चाहिए कि जेन्युइन में जहाँ पर ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो पूरा हो रहा है, ऐसा मेरे को फील आना चाहिए प्लीज, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिंप्लीफाई। और क्वेश्चन नंबर 1 में तुम लोगों ने देखा रहेगा सब क्वेश्चन, इसको सब क्वेश्चन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, ये तीन और चौथा मैंने एक्स्ट्रा दिया है, क्यों दिया मैं बताता हूँ। और इससे पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, जहां पर एक्स के साथ वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल पार्ट, रियल पार्ट, और वाई वाले के साथ वाले को, आई वाले के साथ वाले को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ये क्लियर है सबको, ये सबको ही पता होता है अभी, क्योंकि जब तुम लोग एक्सरसाइज पर जम किए तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, चार वीडियो बना चुका। और अंडर रूट माइनस वन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई। जब भी स्क्वेयर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आया, वापस सर, स्क्वेयर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आया मतलब इमेजिनरी आएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो पहला सम करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पहला सम गाइस। चलो ये जो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा, तुम लोग पहले ये लिखना, फिर यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 1 सोल्यूशन लिखने का, ठीक है। यहाँ पर ओके, यहाँ पर देखो क्या करने वाला हूँ, स्क्वेयर रूट के अंदर नेगेटिव दिखा, इसका मतलब यहाँ पर इमेजिनरी नंबर आने वाला है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 इंटू व्हाट, माइनस 1 लिख सकता हूँ, एग्री कर रहे सब लोग। चलो प्लस 3, ओके ग्रेट सर, आगे बोलो। अंडर रूट के अंदर माइनस 25 आया, इसका मतलब इसको भी स्प्लिट करूंगा, कैसे स्प्लिट करूंगा, 25 इंटू व्हाट, माइनस 1। अरे मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ भाई, माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस 25 होगा, प्लस के जगह पे प्लस, देखो वापस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 36 है, मतलब 36 इंटू व्हाट, माइनस 1, ग्रेट सर, आगे बोलो। ये माइनस अंडर रूट में व्हाट, माइनस 625, माइनस 625 का मतलब क्या होता है, माइनस मतलब 625 इंटू व्हाट, माइनस 1, ग्रेट सर, आगे बात कर लो। अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ पर देखते हैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट कर दो, अंडर रूट 16 अंडर रूट में व्हाट, माइनस 1, यहाँ तक क्लियर है, प्लस 3, इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 25, इसको लिखेंगे अंडर रूट में व्हाट, माइनस 1, आगे ऐसा ब्रेक कर सकते हो तुम लोग, ये याद रखना। अगर दुनिया भर का नंबर है ना यहाँ पर, तो अपन इसको इसके पास भी रूट दे सकते हैं और इसके पास भी रूट दे सकते हैं, ये सब चीज़ तुम लोग के दिमाग में रहना चाहिए। ये सब जो तुम्हारे बुक का रेड लाइन है ना, उसके ऊपर लिख लो, ये क्लियर है सबको, यस सर नो यार। चलो आगे बोलो, प्लस यहाँ पर बोलो 36 लिखो सर, और यहाँ पर अंडर रूट में व्हाट, माइनस 1, माइनस की जगह पे माइनस लिखा, इसको क्या करोगे, स्प्लिट कर दो, 625 लिखो और अंडर रूट में व्हाट, माइनस 1। देखो तुम लोगों को ये चीज तो पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज व्हाट, 4, बचपन से पढ़ते आ रहे, तो यहाँ पर 4 लिखो और इसके जगह पे क्या लिखोगे, आई, होप सो इतना क्लियर। प्लस की जगह पे प्लस लिखो, ये देखो ये 3 लिखो, जब मल्टीप्लाई कर रहे ना तो ऐसा मल्टीप्लाई का साइन डालो, अंडर रूट ऑफ 25 की बात कर रहा तो 5 आएगा, और मल्टीप्लाई का साइन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज व्हाट, आई, ये क्लियर हो गया। नाउ ग्रेट सर, आगे बात कर लो, अंडर रूट 36 क्या होता है सर, 6 होता है, मल्टीप्लाई का साइन, इसको क्या लिखेंगे, आई, ये क्लियर हो गया। माइनस इसका बोलो, डब्बा डालो, ऐसा डब्बा डालो तो अच्छा रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625, 625 का स्क्वायर रूट, देखो 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 5, 225 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 15, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25, देखो 25 इंटू 25 करो तो ये मिलेगा 25, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे, आई। चलो जो टर्म है उसको सिस्टमेटिक लिखते हैं, 4i लिखा सर, आगे प्लस 3y से 15, 15 इंटू आई, 15i, ग्रेट सर, आगे बात कर लो, प्लस 6 इंटू आई, 6i, आगे बात कर लो, माइनस 25, ये समझना, सबके सब आई वाले ही टर्म है, जो एक्स्ट्रा में इधर लिख रहा हूँ तुम लोग को रेड लाइन के। देखो अगर मैं तुम लोग को कभी पूछता हूँ 2x प्लस 3x करो, तो तुम लोग क्या बोलते हो, 2x प्लस 3x इज व्हाट, 5x, लेकिन यही चीज अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ना तो तुम लोग वी कांट, हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, इसके पास क्या x है और इसके पास x नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी फंडा होता है, ये वेरिएबल वाला इसके साथ है और ये कांस्टेंट वाले के साथ है, तो ये दोनों ऐड सबट्रैक्ट नहीं होते, ये क्लियर। हाँ मल्टीप्लाई करने बोलो, मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर है, और एक चीज समझना, समझो ये 2 है,
प्लस फोर रूट टू है, दिख रहा है दोनों के पास रूट टू है, यस और नो? दोनों के पास रूट टू है तो थ्री प्लस फोर कितना होता है सेवन, और रूट टू एक लिखने का। लेकिन यही चीज अगर मैंने ऐसा दिया रहता, ये देखो यहाँ पर सबका सब नॉलेज के लिए पढ़ाओ क्या, अगर मैंने लिखा थ्री रूट टू प्लस फोर रूट थ्री, दिख रहा है गाइस ये, या फिर यहाँ पर फाइव लिखता हूँ, चलो फोर रूट वॉट फाइव। अभी इसको मैं अगर करूंगा सॉल्व करने बोलूंगा तो तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके पास वेरिएबल क्या, वेरिएबल मीन्स वॉट, इसको रूट क्या है, रूट है, और इसके पास क्या है, रूट फाइव। तो ये एड सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हुए। इसके पास एक्स है तो इसके पास भी एक्स होना चाहिए, इसके पास वाई तो इसके पास भी वाई होना चाहिए, इसके पास रूट है रूट टू है तो इसके पास भी रूट टू ही होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई के लिए ऐसा सीन नहीं होता, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करने का ट्राई करता हूँ ना, देखो मल्टीप्लाई सब हो जाता है, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई करेगा, थ्री फोर से ट्वेल्व, और रूट टू इंटू रूट यहाँ पर रूट टू इंटू रूट फाइव डायरेक्टली हो जाता है। ये क्लियर रहना चाहिए तुम लोग के माइंड में, क्योंकि बच्चे लोग का लॉकडाउन लगा तो दिमाग उधर ही चले गया, कहाँ चले गया, पबजी में, समझ रहा है? और गर्लफ्रेंड धोखा देके गई, मिल नहीं पा रहे अच्छे से, नहीं मिल पा रहे, भाड़ में जा, अपने को इधर ध्यान देना है, ठीक है? चलो आगे, अब देखो यहाँ पर और एक चीज समझना चाहिए, दुनिया में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन दुनिया भर का आता है ना, ये सब मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तुम लोग को समझना चाहिए क्या बात हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ ना, देखो गाइस, थ्री प्लस फोर माइनस माइनस फाइव प्लस सेवन माइनस टू, दिख रहा है? जब ऐसा होता है ना बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, देखना सिर्फ प्लस वाले को पहला आया करो, प्लस वाले को पहला करो, देख थ्री प्लस फोर कितना होता है सेवन, सेवन प्लस फोर फोर्टीन, ये दिख रहा है फोर्टीन, और ये माइनस फाइव माइनस टू कितना होता है माइनस सेवन, ये क्लियर है? अच्छा फोर्टीन माइनस सेवन सेवन, मतलब पहले प्लस वाले को ऐड कर लो, ये सबके सबके पास क्या आइए तो इन लोग ऐड होंगे, क्यों हो गया? अगर खुदा ने कहा यहाँ पर प्लस फोर होता तो ये ऐड नहीं होता, ये चारों होते हैं लेकिन ये नहीं होता, क्यों? इसके पास आई की कमी है, आई मतलब महाराष्ट्र में आई मतलब होता है माता, माँ। चलो यहाँ पर ओके आगे बात कर लेता हूँ, ये प्लस फोर फिफ्टीन आई कितना होता है नाइनटीन, नाइनटीन प्लस सिक्स, नाइनटीन प्लस सिक्स इज और ट्वेंटी फाइव, तो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव और आई, और इधर का माइनस ट्वेंटी फाइव आई, तो ये क्या होगा, ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी फाइव गया तो क्या बच्चा जीरो, ये क्लियर होना चाहिए तुम लोग को, ये क्लियर है गाइस? आगे लिख देता जीरो आई, ठीक है लिख दो, नहीं लिखेगा तभी चलेगा, इज इक्वल टू जीरो, ये क्लियर होना चाहिए। इसको अगर इधर तक सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज समझ ले, ये जीरो को कैन बी राइट जीरो प्लस जीरो आई, यस और नो? जीरो प्लस जीरो मतलब इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट, रियल पार्ट इज वॉट जीरो, मतलब रियल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो, और वाई, वाई मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ है वो भी जीरो, ये क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को, ये सिर्फ ऐसे बता रहा हूं मैं ताकि तुम लोगों को नोटिस रहे कि यहाँ ऐसा भी कुछ है, ठीक है? पहले इसको कॉपी कर लो फिर मैं आगे का बात कर सकता हूँ, ये भी लिख लेना, ठीक है? चलो गाइस अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पर से मैंने पूरा का पूरा रफ कर दिया टाइम बचाने के लिए, यहाँ पर सेकंड वाला देखते हैं। चलो यहाँ पर क्या लिखा है, फोर, देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिख रहा है, माइनस फोर दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखो फोर, और इसको कैसे लिखेंगे, फोर इंटू वॉट, माइनस वन, ग्रेट सर, आगे बात कर लो, ये प्लस का प्लस, आगे भाई आगे बात करो, अंडर रूट वॉट, नाइन इंटू वॉट, माइनस वन, आगे बात करो, सीक्वेंस में ही वीडियो देखना, सीक्वेंस में ही वीडियो देखना, अंडर रूट वॉट, अंडर रूट ऑफ माइनस सिक्सटीन को क्या लिखेंगे हम लोग, वी कैन राइट 16 इंटू वॉट माइनस वन, आगे बात करो, फोर, इसको ब्रेकअप करा दो सर, फोर, और इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट में वॉट माइनस वन, प्लस फाइव, इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट में नाइन, और इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट में वॉट माइनस वन, माइनस थ्री, इसको तोड़ दो 16, और यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस वन, हो सो यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बात करो, ये हो गया फोर, और ये क्या फोर, स्क्वायर रूट ऑफ फोर निकलता है ना, निकाल पाते हो ना, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ फाइव बोलूंगा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ नाइन बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे फोर, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे फाइव, स्क्वायर रूट ऑफ फोर बोल रहा था तो टू बोलो ना, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव बोलूंगा तो निकाल पाओगे क्या, नहीं नहीं निकाल पाओगे, तो ऐसे छोड़ना, ठीक है? इसका बोल टू, और इसको क्या लिखोगे आई, ये क्लियर हो गया? प्लस ये देखो फाइव, ऐसा डब्बा डालो, ये क्या लिखोगे थ्री, और इसको क्या डालोगे आई, यहाँ पर माइनस थ्री, इसको क्या लिखोगे थ्री ना, मल्टीप्लाई का साइन डालो, ये क्या आ गया फोर, और ये आ गया आई, यहां तक समझ गया? अंडर रूट माइनस वन क्या होता है आई, ये कितना हो गया एट आई, आगे बात कर लो, प्लस ये कितना होगा फिफ्टीन आई, यहां तक क्लियर है सबको, यस और नो? आगे माइनस थ्री फोर जो ट्वेल्व, और आगे आई, देखो सबके सब वापस आई आ रहे, ओके ग्रेट सर, मतलब प्लस वाला ले लेते, देखो पंद्रह प्लस आठ कितना होता है तेईस, आगे एक हथियार है, हथियार बोलता हूँ मैं, वेरिएबल को हथियार बोलते हैं, माइनस ट्वेल्व आई, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे देखो यहाँ पर 23 माइनस ट्वेल्व, दोनों आई आई वाला है ना एड, अगर इसके पास आई नहीं होता तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये क्लियर है ना सबको? यहाँ पर देखो थ्री में से टू गया वन, यहाँ पर टू वन, तो इलेवन आई, यहाँ तो क्लियर हो गया, अगर इधर तो लगा आंसर हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको कंपेयर करके दिखा, रियल क्या है, रियल प्लस इमेजिनरी, कुछ मीनिंग चेंज हुआ क्या, रियल पार्ट क्या है जीरो, इमेजिनरी पार्ट क्या है इलेवन, ये क्लियर हो? आई के साथ जो होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ये यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए सबको। नाउ तीसरा वाला देखते हैं, ये एक्स्ट्रा है सम, यहाँ पर क्या लिखा है फोर अंडर रूट में वॉट, इसको क्या लिखेंगे माइनस सिक्सटीन है, माइनस सिक्सटीन मतलब सिक्सटीन इंटू वॉट माइनस वन, आगे बात कर लेते प्लस, प्लस के जगह प्लस फाइव स्क्वायर रूट के अंदर, देखो ये गाइस
गाइस गाइस गाइस गाइस अंडर रूट में -25 नहीं है, ये तो वही बात हो गया ना यार। तुम लोग करते करते पहला चैप्टर पढ़ा फिर अच्छी बात है, दूसरा चैप्टर पढ़ा तो पहला चैप्टर भूल गए। अरे यार पहला चैप्टर 9वीं से 10वीं तक, मतलब 10वीं तक अपने को सीखा है अंडर रूट में 25 पाई होता है। इधर आके अपने को मालूम पड़ा कि अंडर रूट में -25 रहेगा तो उसका पाई आई होता है, ये क्लियर हो गया ना। तो इसका ईमानदारी से 5 ही लिखना है क्या ये समझा, इसको ऐसा स्प्लिट मत करते बैठना अपने मन से -1 1। अरे पगला गया क्या, टाइम वेस्ट करने का कुछ और नहीं। अरे अगर पेपर में एग्जाम में नहीं आया क्वेश्चन तो लाइट गिन ना, मैडम ने कौन सा साड़ी पहना, कहां से खरीदा वो पता कर, समझ रहा। ऐसा टाइम वेस्ट मत कर इसमें, ऐसा ये क्लियर हो गया। आगे बात कर ले, इसको क्या लिखेंगे पाई डायरेक्टली लिखो, यहां तक क्लियर है सबको। ये देखो ये क्या लिखा, अंडर रूट में 25 को क्या लिखने का फाइव, ये समझ गया ना। चलो इसका बोलो 4, इसका ब्रेकअप करा दो सर 16, और इसका क्या होगा अंडर रूट में व्हाट -1 प्लस इस 5 5 25। गाइस इसका बोलो 4 * व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, और इसके जगह पे तो आई आ गया प्लस 25, ये कितना हो गया 4 4 16 i, और यहाँ पर क्या है 25। गाइस एक बार चेक कर लो, एक बार यहाँ पर क्या सीन हो रहा है देखो, 4 की जगह पे 4 लिखा, 16 को स्प्लिट किया, 16 * व्हाट -1, यहाँ पर सर गलती हो गया 16 है ना, हाँ ग्रेट, यहाँ पर 16 लिख दिया, आगे क्या रहेगा रहेगा प्लस प्लस, ये पाई की जगह पे पाई और स्क्वायर रूट ऑफ 25 बात करो तो 5 होता है। 4 लिखा इसका ब्रेकअप करा यहाँ पर -1, ये 4 लिखा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, और यहाँ का आई प्लस का प्लस ये हो गया 69। देखो ये दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये तो साफ साफ चिल्ला के बोल रहा है ना, क्या चिल्ला के बोल रहा है, ये क्या है रियल पार्ट। रियल पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पार्ट इज व्हाट, रियल पार्ट मतलब x इज इक्वल टू 16, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट, चलो इमेजिनरी पार्ट मतलब y इज इक्वल टू 25। अगर मेरे से प्लस माइनस में कुछ गलती हो गया रहेगा तो माफी कर देना, माफ कर देना यार बच्चे, जैसे मैं माफ कर देता वैसे तुम लोग भी माफ कर दो ठीक है, अगर मेरे से कुछ गलती हो गया रहेगा तो ठीक है। यहाँ पर ना तीसरा, तीसरा देखते क्या लिखा है यहाँ पर, चौथा है ना ये तीसरा, ये चौथा ठीक है, फोर्थ वन ना। आगे यहाँ पर देखो सेम अप्रोच यूज करना है, 4 लिखा सर, हाँ लिखा, उसके बाद क्या लिखोगे इसका ब्रेकअप 16 * व्हाट -1, हाँ सर आगे बात कर लो, प्लस की जगह पे प्लस 5, देखो वापस गधे जैसे काम नहीं करने का। इधर तो चलो 25 का अपने को आ गया था, 25 का 5 आ गया था, अभी स्क्वायर रूट ऑफ 10 आता है क्या तुम लोगों को, नहीं आता तो मत लिखना, तेरे को बोला क्या मैंने लिखने 2 5, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखने का। यहाँ पर देखो ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर नोटिस करने का, एकदम ध्यान से नोटिस करने का, ऐसा अगर नोटिस नहीं कर पाया तो ऐसा, और जो नोटिस कर पाया उसके लिए चेहरा ऐसा रहेगा, क्योंकि दोनों में फर्क है क्या, ये क्लियर होना चाहिए। जो नोटिस कर पाएगा उसके लिए अच्छा है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस दिखा तो लिखो -2, इसको क्या लिखोगे 7 * व्हाट -1, होप सो यहाँ तक समझा, इसको क्या लिखा 4 स्क्वायर रूट में 16, और यहाँ पर क्या आया -1, आगे 5 √10, आगे -2, इसको ब्रेकअप करा दो 7, और यहाँ पर क्या आया -1, आगे बात हो सकता है अपने से, बोलो अरे बोलो, कहाँ आजू बाजू देख रहे, लड़की जा रही है क्या, लड़का जा रहा है क्या, अबे छोड़ इधर देख, इधर देख, देख काम आएगा अपने को। यहाँ आया 4, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और यहाँ पर इसको क्या लिखोगे आई प्लस 5 √10, और यहाँ पर क्या आया -2, देखो √7 का नहीं निकलता तो अपन ऐसे छोड़ेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा आई, चलो इसका बोलो 16 i प्लस 5 √10 -2 √7, दिख रहा है गाइस यस और नो। अब यहाँ पर देखो आई वाला आई के साथ जाएगा, रियल वाला रियल, लेकिन आई वाला आई के साथ जा ही नहीं पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है कोई तो बताओ तुम लोग में से, कोई तो बताओ। अगर यहाँ पर 16 i और -2 i रहता तो तुम लोग क्या लिखते 14 i, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है, इसके पास i तो है लेकिन रूट भी तो है, अगर इसके पास रूट होता तो काम होता, या तो इसके पास रूट नहीं होता तो काम होता, समझा क्या बोला मैंने, अरे बोल इसके पास √7 की कमी है, या फिर इसको बोल सकता हूँ √7 ज्यादा है तेरे पास, दोनों ही अप्रोच सही है, तो क्या करेंगे, अरे कुछ मत कर, तू रियल वाले को तो लिख पहले, जो आता हो तो लिख, नहीं तो भूल जाएगा। यहाँ पर इमेजिनरी वाले को साथ में लिखा कर, अच्छा रियल, ये देखिए रियल नहीं है, ये इमेजिनरी नहीं है, रियल है क्या √10, इसमें से आई को कॉमन ले ले, आई को बाहर ले ले तो क्या बचा 16 - 2 √7। गाइस ये पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट है, ये पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट, मतलब जिसके पास आई होता है, कंपेयर कर लो ना, इधर तरफ तुम लोग को बुक में आंसर दिया रहेगा, वैसे तो एक्स्ट्रा है x प्लस आई वाई, तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इज व्हाट, ऐसा तो बोलना नहीं कि रूट है तो इमेजिनरी पार्ट होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू व्हाट आई के साथ है 16 - 2 √7। यहाँ पर दो टर्म क्यों मिला, यहाँ पर देखो एक ही टर्म मिला, क्योंकि यहाँ पर आई वाले सब थे, यहाँ पर आई वाला है तो सब है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा √7 है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकते। होप सो मैंने जो बोला था टिप्स, लर्न फॉर नॉलेज नॉट फॉर दी मार्क्स, तुम लोग को थोड़ा काम तो आता रहेगा, अगर तुम लोग यहाँ तक बैठे हो तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन भी तुम लोग पार कर सकते हो, ठीक है प्लीज इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। चलो गाइस ये हमारा एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है,
और कॉमर्स वालों, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा 3.1 का, ठीक है। यहाँ पर एक चीज समझना चाहिए, ये सब तो तुम लोगों को क्वेश्चन दिखेगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है तुम्हारे सेफर साइड के लिए, थोड़ा नॉलेज बढ़ सकता है तो अच्छी बात है, क्योंकि नॉलेज इज पावर और ऑलवेज लर्न फॉर व्हाट नॉलेज, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसको मैं लिख देता हूँ, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिटेल में पढ़ चुका है। सर कहाँ पढ़ा है गाइस, ऐसा तो नहीं बोलना यार, लेक्चर नंबर 2 देखो, प्यार हो जाएगा तुम लोग को, समझ रहा, प्यार हो जाएगा कॉन्सेप्ट से, कॉम्प्लेक्स नंबर के सिवाय कुछ आएगा नहीं तुम लोग अगर सीक्वेंस में देखते रहोगे तो। नोट्स देखते जाओ, अपना कंटेंट देखो, कोई भी ऑफलाइन क्लासेस वाले को भी हम लोग टफ दे सकते हैं, इतना चीज याद रखना, कोई भी ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है, ये चीज याद रखना। लर्न इन डिटेल, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, मिरर इमेज ये क्या होता है वहां पर पढ़ लेना। अभी के लिए सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जेड इज इक्वल टू समझो एक्स प्लस आई हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है। तो अगर कॉन्जुगेट करना है तो जेड बार लिखते हैं हम लोग, प्लस आई के जगह पे माइनस आई लिखते हैं बस, और माइनस आई के जगह पे प्लस आई, ये क्लियर हो गया, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए, ये होप सो तुम लोग को समझो। ये जेड वन है पहला लिया, अगर समझो जेड टू लिखा है ए माइनस आई बी, तो इसका जेड टू बार क्या हो जाएगा, मतलब कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी का क्या लिखोगे, प्लस आई बी, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए, नहीं समझा तो चलो इधर देखते हैं। अभी 10 क्वेश्चन लिया हो प्यार करने के लिए, देखो 10 क्वेश्चन इज इनफ। पहला देखो 3 प्लस आई दिखता है, देखो यहाँ पर द कॉन्जुगेट ऑफ द अबव कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बिलो, यहाँ पर अबव का गिया नीचे दिया है, 3 प्लस आई को क्या लिखोगे, 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट प्लस आई है तो माइनस आई, देखो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड का देखते हैं यहाँ पर, सेकंड का देखते हैं यहाँ पर, अच्छा रोमन नंबर में दिया, ये रोमन वी1 नहीं जमता यार अपने को, 3 माइनस आई है तो क्या आएगा, 3 प्लस आई, कितना ईजी। चलो तीसरा वाला देखो जरा क्या लिखा, तीसरे वाले में माइनस, ये देखो इसके पास रूट के अंदर, ध्यान से देखो रूट के अंदर माइनस नहीं है क्या, माइनस तो है नहीं, ये ऐसा सम थोड़ी ना है, ऐसा रहता है क्या ये, ऐसा रहता तो क्या लिखता मैं, रूट फाइव इंटू वॉट माइनस वन, पहले तो मैं इसको स्प्लिट करता फाइव और इसको क्या स्प्लिट करता माइनस वन, और इसको लिखता रूट फाइव और यहाँ पर लिखता आई, ये क्लियर हो गया, इसको लिखता, लेकिन रूट के अंदर फाइव नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का तो कुछ नहीं करना है, गाइस मैंने डिटेल में कर चुका है, एक्स्ट्रा सम्स हो चुका है, ये एक्सरसाइज से सिखा रहा हूं ना, बच्चे को लगना चाहिए कि एक्सरसाइज सिखाते हैं सर, ऐसा ना हो जाए कि एक्सरसाइज नहीं, इससे डेंजर समापन ने किया, प्लीज हाँ झूठ नहीं, नोट्स देखो। चलो ये माइनस सेवन दिख रहा है आई के साथ, क्या दिख रहा है माइनस, तो यहां पर क्या लिखोगे, प्लस रूट सेवन, आगे क्या लिखोगे आई, देखो हो गया इसका, देखो हाँ ये नोटिस करने वाली बात है, क्या नोटिस किया सर, ये वाला जो है ना, पहले तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक आई में लेकर आएंगे, आई दिखता माइनस लिखो, हाँ माइनस लिखा, इसको क्या लिखोगे, रूट फाइव इंटू वॉट माइनस वन, क्या माइनस रूट फाइव, अभी इसका डायरेक्टली लिखो, देखो ना यार यहाँ पर आई लिखता हूँ, द कॉन्जुगेट इज गिवन बाय कैसे दिया जाएगा बताओ, इज गिवन बाय, ये देखो आई के साथ क्या दिख रहा है, इधर वाला देखते माइनस है तो क्या लिखते हो, प्लस रूट फाइव आई, अगर मैं प्लस नहीं लिखूंगा, समझा ये चीज तुम लोग को समझना चाहिए ना, फिफ्थ वाला देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फाइव आई का क्या हो जाएगा, आई के जगह पे प्लस आई है ना, तो यहाँ पर अगर सिर्फ टू दिया रहता तो, अगर यहाँ पर समझो क्वेश्चन में यहाँ पर 11th में दे देता हूँ मैं, समझो टू दिया है और टू में आई है नहीं और रियल का कॉन्जुगेट होता नहीं, तो टू का टू ही आएगा, ये चीज क्लियर रखना चाहिए ना। सिक्स का बोलो, सिक्स का बात कर लेते हैं, सिक्स का क्या है, सिक्स क्या है, देखो माइनस आई दिख रहा है तो क्या लिखोगे आप, और ये रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है क्या, तो ये रियल ही है, प्लस आई, सही है सर, आगे बात कर सकते हम लोग। सेवंथ वाला देखो गाइस, सबके सब सेवंथ वाला, ये देखो आई के साथ क्या दिख रहा है, प्लस, तो अपन क्या लिखेंगे, रूट टू, रियल को तो टच नहीं करेंगे, यहाँ पर रूट थ्री आई, ये समझा रहेगा ना। एट वाला देखो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक्चुअली ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा, एक्चुअली ये सबका इंपॉर्टेंस है लाइफ में, लेकिन पहले एक्सरसाइज में अगर अपन बड़ा, अरे पहले जब जिम में जाते हो क्या पहले 100-100 किलो का उठाने लग जाते हो क्या, नहीं ना, पहले सूर्य ना स्टेप वाइज होता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा चीज आएगा, अभी क्या होता मैं धीरे धीरे बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए देखो आई दिख रहा है तुम लोगों को, सर ये वाला आई नहीं है क्या, साइन के अंदर आई आता है, साइन की स्पेलिंग में आई आता है, ये वाला आई देखो बाहर, तो कॉस थीटा क्या आएगा बताओ, कॉस थीटा प्लस आई थीटा ना माइनस आई साइन थीटा लिखने का, ये क्लियर हो गया ना, ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर देखो आई किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, प्लस आई सेवन पाई ना, तो माइनस लिखने का क्या आएगा बताओ, यहाँ पर इधर माइनस मत लिख देना, गलती हो गया तुम लोग से, क्या गलती हुआ, अरे तुम लोग को इधर थोड़ी ना बोला, आई के आजू में लिखना है बाजू में, ये क्लियर हो गया, इसको लेना देना नहीं बाहर क्या है, देखो ये क्लियर हो गया ना। टेंथ वाला देखो, टेंथ वाले का सीन क्या है, माइनस थ्री एज इट इज ई के पावर में, देखो माइनस आई एट पाए ना, तो क्या लिखोगे, प्लस आई एट पाए, तो प्लस दिखाने का नहीं, ये क्लियर हो गया। इलेवेंथ वाला क्या है, ये तो रियल है, इसमें इमेजिनरी है नहीं, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये क्लियर होता है सबको, यस और नो बोलना गाइस प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। कॉन्जुगेट का सिंबल क्या होता है मालूम है ना, बार,
मतलब अगर तुम लोग लिखना चाहोगे वैसे तो इतना इलेबोरेट नहीं करने की जरूरत नहीं है, आगे जैसे जैसे आएगा मैं बताऊंगा, समझ गया नहीं आता प्लीज इसको कॉपी कर लो। सो गाइस चलो अभी क्वेश्चन नंबर थ्री से पहले मैं तुम लोग को एक पॉइंट बोलता हूँ, ध्यान से समझना। इस टॉपिक का नाम होता है इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उससे भी पहले मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। मैंने लेक्चर नंबर थ्री में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से, वो तुम लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो प्लीज़ एक बार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लो यार, बहुत मेहनत लगता है ये सीक्वेंस बनाने के लिए। अगर तुम लोग सीक्वेंस तोड़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी ना ही तुम्हें भी, ठीक है। अब जब मैं बात करूँ टॉपिक का नाम है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टेप्स क्या रहेगा मालूम है? LHS और RHS वो दिया रहेगा कि LHS और RHS इक्वल है, तो तुम लोगों को क्या करना मालूम है, LHS को X प्लस आई वाई के फॉर्म में लेकर आओ और RHS को X प्लस आई वाई के फॉर्म में लेकर आओ। रियल वाले को रियल के साथ इक्वेट करो और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ इक्वेट करो। सर थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, अरे डाउट है ये दो सम देख तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, चलेगा। यहाँ पर देखते फाइंड ए प्लस आई बी, रियल वाला कौन है देख, ये LHS है और ये RHS है, पूछा भी है फाइंड ए एंड बी इफ, If, अगर दिया है क्या दिया है LHS और RHS इक्वल दिया है, तो रियल वाला कौन कौन है देखो, रियल वाला दिख रहा है इसके पास आई नहीं है और ये नहीं है, तो रियल वाले को पकड़ने का एक डब्बे में डाल दो, ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को। इमेजिनरी वाला दिख रहा है सिर्फ इमेजिनरी एक ही दिख रहा है, तो यहां पर क्या लिखने का आई और डब्बे में डाल दो, इमेजिनरी वाले को डब्बे में डाल देने का। यहां पर देखते हैं इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला तो सेम टू सेम 4 + 6i, ये समझता है नहीं समझता, तो यहां पर देखो सॉल्यूशन में गाइस यहां पर देखो, उसने खुद ने रियल वाले को एक साथ लिखा है और रियल वाला भी होना चाहिए एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, ना ही मेरे को LHS में मल्टीप्लीकेशन चाहिए ना ही डिवीजन चाहिए, समझ रहा है? पूरा देखो ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, एक्स प्लस आई वाई एक्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा और ये वाई ये दिख रहा है, तो ए माइनस बी, और यहां पर इधर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ए प्लस बी आई, और यहां पर क्या ए प्लस फाई आई, सबके सब यहां पर ये क्लियर होना चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन है ना, एक बार देखने दो, यस चलो आगे बात कर सकता मतलब मैं, प्लीज थोड़ा समझो। अब इक्वेटिंग वर्ड क्या लिखने का, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब सर क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, मैं बताता हूँ क्या होता है। रियल वाला जो है ना रियल के साथ इक्वेट कर दो और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ, तो रियल वाला क्या दिखता है यहाँ पर a + 2b किसके बराबर है, इधर का रियल कौन है 4, इसको तुरंत हाईलाइट कर दो, ये समझा, सॉल्व तो बाद में करेंगे। अच्छा इमेजिनरी कौन है, इमेजिनरी कौन है आई के साथ कौन है 2a, तो यहां पर 2a लेफ्ट साइड वाला, आई के साथ कौन है 6, देखो यहां तक ये क्लियर हो गया। अभी यहां पर तुम लोग इसको भी हाईलाइट कर दो, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अभी इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखो, या तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो या तो तुम्हारा नसीब रहेगा तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो यहां पर a का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 6 अपॉन वॉट 2, a इज इक्वल टू 3, ये समझ गया a का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया, ये क्लियर हो गया। नाउ अभी तुम्हारी मर्जी जैसा चाहिए वैसा करो, ऐसा हमेशा दो डब्बा बनाओ, इसको 1 दे दो, बोलो पुट a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 इन 1, इन 1 देखो a की जगह पे 3, 3 प्लस 2b इक्वल टू 4, यहां तक समझा। अब b के नीचे b मतलब 2b के नीचे 2b इज इक्वल टू 4, ये प्लस 3 उस साइड आएगा तो -3, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज वॉट 1, बी के नीचे बी इज इक्वल टू 1/2, मतलब बी का वैल्यू क्या है 1/2। फाइनल आंसर लिखना जरूरी है गाइस, फाइनल आंसर को मार्क्स है, हेंस ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 1/2, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ये क्लियर है। चलो सेम अप्रोच यहां पर यूज करना है, रियल वाला क्या लिखेंगे, डायलॉग लिखना है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग क्या लिखोगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट ये क्लियर होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल वाला दिखते हैं, रियल वाला सबके सब प्लीज, यहाँ पर रियल वाला दिखता है ये वाला, और यहाँ पर रियल क्या है ये, तो यहाँ पर क्या है ए माइनस बी इक्वल टू वॉट ए, इसको तुरंत हाईलाइट करो, तुरंत हाईलाइट करो, मुझे मालूम है अंदर सॉल्व हो सकता है लेकिन रुको थोड़ा हाईलाइट कर दे। इमेजिनरी पार्ट ए प्लस बी आई के साथ वाला, आई के साथ क्या है बी, इसको हाईलाइट करो। अब देखते हैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है या इजिली सॉल्व हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये इजिली सॉल्व हो रहा है, कैसा देखो यहाँ, यहाँ पर क्या लिखोगे, देयर फॉर वॉट माइनस बी के नीचे माइनस बी इज इक्वल टू वॉट ए, ये प्लस ए उस साइड जाएगा तो माइनस ए, मतलब माइनस बी इक्वल टू वॉट 0, बी इक्वल टू वॉट माइनस, इधर मल्टीप्लाई कर या इधर मल्टीप्लाई कर एक ही बात होता है बी का वैल्यू, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। पुट बी इज इक्वल टू वॉट 0, बी इज इक्वल टू वॉट 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यहां तक क्लियर हो गया। चलो ए प्लस 0 इज इक्वल टू वॉट 5, यहां तक समझ गया, बी के जगह पे 0 डाल दिया तो ए इज इक्वल टू वॉट 5, होप सो तुम लोग को समझा रहेगा। यहां तक 2 मार्क्स के लिए आता है लेकिन 1.5 मार्क्स मिलेगा क्योंकि फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, हेंस A इज इक्वल टू वॉट 5 और B इज इक्वल टू वॉट 0, होप सो तुम लोगों को ये समझा रहेगा, नहीं समझा तो एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार वापस देखो मेरा बोलने का मकसद क्या है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब LHS में X प्लस आई वाई के फॉर्म में होना चाहिए, X प्लस आई वाई अगर नहीं होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करते हो ऑलरेडी बताया, डिवीजन के फॉर्म में हुआ तो रैशनलाइज, प्लीज इसको कॉपी करो फिर मैं तीसरा समझ लेता हूँ।
चलो गाइस ये क्वेश्चन नंबर थ्री है अपना, और यहाँ पर देखो मतलब क्वेश्चन नंबर थ्री का सब क्वेश्चन थ्री है, सेम अप्रोच यूज करना है। देखो अभी तुम लोगों ने नोटिस किया ध्यान से, क्या नोटिस किया सर, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन दिया है, दो डब्बा मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को रियल और इमेजिनरी चाहिए, रियल और इमेजिनरी समझता। देखो देखो इसने कैसा आई के साथ डब्बा बना के दिया है, मतलब इधर अगर मेरे को करना चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी प्लस वन के ऐसा डब्बा बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रियल है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टेन प्लस टू ए, आगे क्या आएगा आई, यहाँ तक क्लियर है सबको ना, इसका क्या सीन है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ जाएगा और ये इसके पास जाएगा, देखो ये रियल है ये इमेजिनरी है ऐसा नहीं बोलना, ये दोनों डब्बा क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद तुम लोगों को मालूम होगा लेक्चर नंबर थ्री में मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया कैसा करना है। चलो ए इंटू टू मतलब टू ए हो गया, आगे ए इंटू आई, ए आई हो गया, ग्रेट। आगे बात कर लो यहां पर, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, बी इंटू टू टू बी हो गया, ओके बी इंटू आई क्या हो गया, बी आई हो गया, यहां तक समझा। अब रियल वाले को साथ में रखो और इमेजिनरी वाले को साथ में रखो, रियल वाला कौन है, देखो इसके पास आई नहीं है और इसके पास आई नहीं है, तो क्या करोगे, टू ए प्लस टू बी ऐसा डब्बा में डाल दो, यहां तक समझ गया। और इमेजिनरी वाला ये दिखता है इमेजिनरी, इसमें से आई कॉमन ले लेते, आई कॉमन समझता ना सबको, आई कॉमन ले लेंगे, सबके सब इमेजिनरी है ना, तो आई को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, इधर से ए बचा और देखो आई बाहर है, या फिर तुम लोग के लिए एक स्टेप और कर देता हूँ, ए आई और बी आई। चलो ये वाला क्या आएगा, बी प्लस वन, हर एक स्टेप लिख रहा हूँ तुम लोग को, मैंने बोला कि भाई किसके लिए पढ़ना है तुम लोग समझ गए होंगे। तो अभी क्या करोगे, टू ए प्लस टू बी, यहाँ पर इधर से कुछ कॉमन नहीं लेने का, हमेशा इसमें से ना आई को ही कॉमन लेना, भले चार पाँच चार और आठ में चार कॉमन आता है लेकिन उसको कॉमन नहीं लेने का, हमेशा आई को ही कॉमन लिया करो, आई को कॉमन लिया तो ए प्लस बी इक्वल टू वन, बी प्लस वन और यहाँ पर क्या आएगा टेन प्लस टू ए और यहाँ पर क्या आएगा आई। अब मैं एक डायलॉग लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, इक्वेटिंग क्या लिखोगे, इक्वेटिंग व्हाट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, आगे बात करने का, आगे बात करो पार्ट। तो अभी क्या करोगे, रियल वाला रियल के साथ जाएगा, मतलब टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू व्हाट, बी प्लस वन, सर इसको आप क्या बोलते हो, ऐसा डब्बा बना देने का, हाँ सोचो मत कुछ। और इमेजिनरी मतलब आई के साथ वाला, आई के साथ वाला कौन है, ए प्लस बी और यहाँ पर क्या इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या टेन प्लस टू ए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अभी देखो यहाँ पर अपनी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि पहले एक दो सम में अपने को मालूम पड़ा ए डायरेक्टली मिल गया, उधर बी डायरेक्टली मिल गया, अब यहाँ पर कुछ डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा काम क्या मालूम है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। सर कैसे करते साइमल्टेनियसली, नहीं आता तो बताता, रुक जाओ पहले तो। अभी देखो यहाँ पर साइमल्टेनियसली ए और बी इधर लेकर आ जाओ सबको, टू ए लिखो टू बी लिखो, ये प्लस बी इस साइड आएगा तो क्या आएगा माइनस बी और ये कॉन्स्टेंट, तो देखो टू ए के जगह पे टू ए, टू में से वन जाएगा तो क्या बचेगा वन बी, मतलब सिर्फ बी लिखूंगा इज इक्वल टू वन, ये अपना हाईलाइट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी लिखा, टू ए इधर ले लो तो क्या आ जाएगा माइनस टू ए और इधर वाला टेन, देखो ए वाला पहले वन में से माइनस टू जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस दो में से एक गया एक बचता है वन, ए बड़ा नंबर ये माइनस वन को लिखते नहीं है, यहाँ तक तो समझना चाहिए, इज इक्वल टू वॉट टेन, ये उससे तुम लोग को समझ गया। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करोगे ये चीज देखना यहाँ पर। अभी देखो अगर मैं ऐड कर दूं, पहले तो ए को देखो, ए का कोई भी संख्या में क्या नहीं, इसके पास क्या है टू है, इसके पास क्या है वन है, माइनस वन मत बोलो, इसका कोई भी संख्या देखो वन है और इसका कोई भी संख्या क्या है वन, दोनों का कोई भी संख्या वन है ना, तो अपन क्या करेंगे बी को हटाने का टारगेट करेंगे, कैसे हटेगा, प्लस करूंगा तो दोनों को प्लस करूंगा तो बी प्लस बी टू भी हो जाएगा, तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ सबट्रैक्ट, देखो ये चीज समझना चाहिए, सबट्रैक्ट टू फ्रॉम वन ना भाई, इसका मतलब समझो जब सामने वाले को मार्क्स कट करने का मौका नहीं मिलता ना तो इधर मार्क्स कट करता है, तुम लोगों ने क्या लिखा सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन, फ्रॉम वन मतलब वन वाला ऊपर मतलब ये देखो ये वाला जो दिखता है टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, ये वन है और ये वाला माइनस माइनस ए, आगे क्या आएगा प्लस बी इज इक्वल टू टेन, देखो वन वाले को ऊपर रखा और टू वाले को नीचे रखा, अगर तुम लोग ने ऐसा बोला रहता, सुनो अगर तुम लोग ने लिखा रहता सब्ट्रैक्ट वन सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, तो टू वाला ऊपर लिखता, ये चीज समझना चाहिए, टू वाला ऊपर लिखता, ये क्लियर हो गया कब, अगर मैं लिखता सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, ये चीज समझना चाहिए, लोगों को ये पता नहीं होता इसकी वजह से मार्क्स कट करते, फ्रॉम टू मतलब टू वाला ऊपर, टू वाला ऊपर और ये वाला नीचे, मतलब ये क्या लिखा है टू ए प्लस बी इक्वल टू वॉट वन। अब ध्यान से समझना, जब सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज होता है, सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज होता है, मैं दोनों अप्रोच करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट मतलब ये माइनस है ना, आज के बाद इसका साइन हो गया प्लस, ये प्लस है ना तो ये माइनस, ये प्लस है ना तो ये माइनस, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए गाइस। अब क्या होगा देखो, प्लस टू है ये माइनस नहीं है प्लस है, प्लस टू है प्लस है, कितना हो गया थ्री ए, ये देखो प्लस बी माइनस बी ये कैंसल इज इक्वल टू व्हाट, सबके सब प्लीज वन माइनस टेन
माइनस क्या हो गया, 1 - 10 - 9, ये क्लियर हो गया सबको। ए का वैल्यू देखना है, ए के नीचे ए निकालो, इज इक्वल टू -9 अपॉन व्हाट 3, ए इज इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा बोलो, 3 - 1 - 3 - 3 मतलब -3, ये क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। पुट ए इज इक्वल टू व्हाट -3 इन, कोई सस्ता वाला इक्वेशन बोलो 1 और 2 में से, ये वाला सस्ता है, इन इक्वेशन व्हाट, इन इक्वेशन 2, तुम लोग की मर्जी किस पे भी देखो, माइनस के जगह पे माइनस, ए के जगह पे -3, आगे प्लस बी इक्वल टू व्हाट 10, ये माइनस माइनस क्या हो गया 3, प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट 10, बी के नीचे बी इज इक्वल टू 10 प्लस 3 उस साइड जाएगा तो -3, बी इज इक्वल टू व्हाट 7, होप सो तुम लोग को समझा रहेगा। हैंस ए का जगह पे क्या लिखोगे, -3 और बी इज इक्वल टू व्हाट 7, ये समझा। चलो इसका भी देख लेते हैं, अगर किसी ने उल्टा किया रहेगा तो क्या होता है, देखो अगर उल्टा किया तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्लस 2 है तारा आज के बाद ये क्या हो गया -2 है, ये प्लस बी तारा आज के बाद ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस 1 था तो आज के बाद ये हो गया माइनस, माइनस ए माइनस 2 ए इज व्हाट अल्टीमेटम यू आर गेटिंग -3 ए, ये प्लस बी ए कैंसल इज इक्वल टू 10 - 1 - 9, ए के नीचे ए 9, देखो यहाँ पर ये मत बोला -3 उस साइड जाके +3 होगा, पाप लगेगा मेरा समझ, मेरा बद्दुआ लगेगा, ए के साथ -3 मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर क्या करेगा डिवाइड, माइनस को नीचे लिखते नहीं, 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - -1 मतलब ए इज इक्वल टू 3 आया, ये समझा तुम लोगों, ये बच्चे लोग को इधर तकलीफ होता तेरा तकलीफ दूर करता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है सोचो, ये हो गया हटाओ इसको, मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा बात करने का ट्राई कर रहा हूँ, -3 + 1 दोनों में डिफरेंस क्या है, ए के नीचे ए लिखोगे बरोबर है इज इक्वल टू व्हाट 9, -3 ए के साथ क्या कर रहा था, ए के साथ माइनस कर रहा था, तो यहाँ ए के साथ प्लस बोलो या माइनस बोलो कोई तकलीफ नहीं है, ये अलग आ गया, ये टर्म है एक पूरा, ये टर्म है मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ नहीं, ये क्या होगा -3 उस साइड का तो प्लस, मतलब ए का जगह पे क्या आएगा 9, 2 है, लेकिन यही चीज अगर ऐसा रहता है ना इज इक्वल टू व्हाट 9, तो ए के नीचे ए लिखोगे इज इक्वल टू 9, -3 ए के साथ चिपका हुआ मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड करेगा, ये है ना तुम लोग रेड लाइन जो दिख रहा ना उसके ऊपर लिख लो, ये दोनों में सब लोग लोग है ना कंफ्यूज होते हैं, तो अभी कंफ्यूजन दूर रख लो, ठीक है पहले इसको कॉपी कर लो। चलो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं ट्राई करूंगा कि जितना भी दुनिया तुम लोग को फील आ पाए ये क्वेश्चन से रिलेटेड में, कितना भी टाइप के मेथड हो मैं तुम लोग को सॉल्व करो यार, तुम लोग को मजा आना चाहिए बस, होप सो तुम लोग मजा करते रहोगे, ऐसा तो फील नहीं आता रहेगा ना कि ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ बरोबर, ऐसा तो नहीं होता रहेगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा फील हो रहा है लेकिन ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड वाला रियल और इमेजिनरी नहीं यार, है ना देखना 0 + a b i दिख रही है पर, और यहाँ पर क्या दिख रहा है रियल का है, ये रियल है और ये भी रियल है, इसको डब्बे में डाल दें और इमेजिनरी वाले को 12 i, देखो हो गया काम, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, क्या करेंगे डायलॉग क्या रहेगा अपना, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, एंड इमेजिनरी पार्ट, तो चलो यहाँ पर बोलो क्या होगा, 0 के जगह पे 0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 3a - b, तुरंत इसको हाईलाइट करने का डब्बा बनाने का, आई के साथ क्या दिख रहा है, आई के साथ ए बी दिख रहा है ए बी, और यहाँ पर आई के साथ क्या दिख रहा है 12, तुरंत हाईलाइट करो। अब देखो ना ये केस 1 केस 2 है, मतलब पहला दूसरा क्वेश्चन तो अलग था डायरेक्टली मिल गया था, तीसरा क्वेश्चन जो कराया वहां पर अपनी मजबूरी थी साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, साइमल्टेनियसली इक्वेशन बचपन में सीखा था, देखो x + y = 2 और यहाँ पर 3x + 4y = -3 ऐसा रहता तो सॉल्व रहता है, यहाँ पर देखो इधर तो दिख रहा है साइमल्टेनियसली वाला फील आ रहा है लेकिन ये दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब करूँ क्या सर ये समझा, ये इधर मतलब साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या करूँ, देख ऐसे टाइप में ना तुम्हारे लाइफ में एक काम करो तुम लोग के, मैं देखो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर ये ऐसे ही अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट है उसको मालूम है कमेंट, और जो नहीं है उनके लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो लर्निंग पॉइंट लिख देता हूँ, लर्निंग पॉइंट लाइफ टाइम याद रखना, लर्निंग पॉइंट जब ऐसा कुछ होता है लाइफ में पूरा, अभी 11th में ना, अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, 12th में जाओगे 12th में बोलेंगे अरे 11th में सीखा था, अरे अभी सीख, जो भी अभी सीख, वीडियो का लेंथ मत देख, चाय कॉफी चाय सिगरेट जो चाहिए वो लेके बैठ, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझ सीख अच्छे से बस यहाँ पर। अब देख इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक काम करो डैडी करके लिखता हूँ, ये 0 को उस साइड देखता हूँ, नंबर वाला उधर रहता तो अच्छा दिखता है, ठीक है यहाँ पर देखो, देखो ऑप्शन देखो, मैं 4 मेथड बताने का ट्राई कर रहा हूँ जो तुम लोग को सूटेबल लगे वो लिखो, 3a - b = 0 तुम लोग एक काम करो यहाँ पर बी का वैल्यू निकालो, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सबको समझ रहा है यहाँ पर, या फिर रखो यार ऐसी, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू अगर निकालने बोलता हूँ 0 = क्या है 3a - b, गाइस बी का वैल्यू निकालना तो क्या होगा, बी इधर आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा -b सेट करेगा, बी के जगह पे -3 है इसको उठा के दूसरे वाले इक्वेशन में डाल, ये चीज तेरे लाइफ में याद रखना, अगर तुम लोग ने इधर से बी उठाया तो इसके अंदर नहीं फेंकना, इसको छोड़ के कोई भी दुनिया मतलब दूसरा इक्वेशन समझता है बी के जगह पे 3a लिख सकता है ये वाले इक्वेशन में, ये क्लियर है, या फिर चलो और या फिर ये हो गया मेथड 1, इस किसके अंदर फेंकेगा
ए बी इज इक्वल टू 12, मतलब ए बी के जगह पे क्या लिखना 3 है, बी के जगह पे क्या लिखना 3 है, काम हो जाएगा। या फिर बोलना और क्या कर सकते हो, चलो इधर से 0 इज इक्वल टू क्या है 3 है माइनस बी, अगर ए का वैल्यू निकालना रहेगा तो माइनस बी इस साइड आएगा तो बी हो गया 3 ए, ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बी डिवाइड बाय 3, मतलब डेट इज ए के जगह पे बी बाय 3, ये समझा, बी का जगह पे बी बाय 3 लिख के किसके अंदर देखोगे सेम, ये मैटर 2 हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 12। ये भी सही अप्रोच है, ये भी सही अप्रोच है, ये याद रखना, कोई भी गलत अप्रोच नहीं है, ये समझना चाहिए। क्या किया मैंने, इधर से ए निकाला उसके अंदर फेंका, या फिर इधर से बी निकाला उसके अंदर फेंका, ये क्लियर होता तुम लोग को। चलो अगर ये समझ गया, ये देखो यहाँ पर 2 मैटर है, यहाँ पर 1। चलो इधर से एक काम करो ना, तीसरा ए बी इज इक्वल टू 12 दिया ना, तो कैन बी राइट ए के जगह पे 12 बाय बी, अरे बोलो हाँ है ना, ए के जगह पे 12 इधर से निकाला तो किसके अंदर फेंकोगे, इसके अंदर 0 इज इक्वल टू 3 ए माइनस बी, समझ रहा है, ए के जगह पे क्या लिखोगे 12 बाय बी, ये भी अप्रोच सही है। चौथा मेथड क्या है बोलो, ए बी इधर से ए का वैल्यू निकाला उसी तरह काम करो, इधर से बी का वैल्यू निकाल सकते हो 12 अपॉन ए, किसके अंदर फेंकोगे, जब इधर से निकाल रहे हो तो इसके अंदर फेंकना 3 ए माइनस बी, ये मैटर होता है गाइस, ये मैटर होता है। अब तुम लोग ट्राई करना सब मैटर, सबसे सेम ही आंसर आएगा, लेकिन मैं प्रीफर करने वाला पहला वाला मैटर, क्योंकि मुझे ये इजी लग रहा है, मुझे ये इजी लग रहा है क्योंकि तुम लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक ट्राई करना गाइस, ये चारों मैटर एक बार कोशिश करना, नहीं आया तो मैं हूं ना तुम्हारा सर है, जब तक मैं हूं टेंशन मत लो, ये चीज याद रखना, जब तक मैं हूं टेंशन मत लो, तुम लोगों को कॉन्टेक्ट डिटेल दे दिया हूं कैसा कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है यहाँ पर। चलो अब क्या करेंगे, तो ये देखो ये हट गया, ये किधर लिखने का सर, ऐसे लिखने का डब्बा, हाँ हाईलाइट करो, जो पढ़ने वाला बच्चा ना वो बरोबर अपना नोट्स को गंदा करता है, जो अच्छा बच्चा है वो साफ सुथरा लिखता है, साफ सुथरा करके क्या सेकंड हैंड में बेचेगा तू, सेकंड हैंड में बेचेगा, लिखना तेरा ही नोट्स है, तेरे को ही समझना चाहिए, समझ रहा है, ऐसा लिख के तेरे को समझे, बाकी जिसको अगर दूसरे को मिल जाए तो तेरे को वापस दे दे, अगर अच्छा बुक रहेगा ना तो, और किसी को मिल गया तो रख लेगा, बोले अच्छा है अपना काम हो गया, समझ रहा है, लेकिन तूने गंदगी किया है तो सामने वाले को मेरे भाई ले ले तेरा बुक नहीं चाहिए यार, क्या करेगा लेके, समझ तो रहा नहीं। माइनस बी देर वोर वॉट बी इज इक्वल टू वोट 3 ए बोल सकता हूँ, है ना, मतलब इसको इक्वेशन वन दो, पुट बी इज इक्वल टू वोट 3 ए इन इक्वेशन वन, समझ रहा तुम लोग को मेरा अप्रोच, समझो बी की जगह पे चलो ए लिखो, बी की जगह पे क्या लिखना है 3 ए, और यहाँ पर क्या आ गया 12, देखो ए इन टू ए ए स्क्वेयर, मतलब 3 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 12, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वोट 12 अपॉन 3, यहाँ पर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वोट कितना है रे 3 1 3 4 बराबर है यहाँ पर, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट ऑन बोथ द साइड, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड क्या लिखोगे, ए का जगह पे सिर्फ 2 मत लिखना, ये 9वीं 10वीं में करते थे, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2 ना, ये चीज समझना चाहिए गाइस, इसका मतलब और इसका इसमें डिफरेंस होता है, ये भी चीज समझना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ ना स्क्वायर रूट ले तो तुम लोग क्या लिखते हो यहाँ पर 2, लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेना बोलता हूँ ना तो x की जगह पे 2 भी लिखने का और x की जगह पे -2 लिखने का, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो x की 2 वैल्यू मिलनी चाहिए, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या 1, तो x की 1 ही वैल्यू मिलना चाहिए, दोनों में डिफरेंस होता है, ये चीज याद रहेगा, बोलो हाँ या ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 भी लिख सकते हो और a इज इक्वल टू क्या लिखोगे -2, देखो 2 × 2 = 4 और -2 × -2 = 4, ये चीज तुम लोग के दिल और दिमाग में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं लिखते रहो बस, नोट्स गंदा करो, मतलब 2 वैल्यू मिला a का तो b का भी 2 ही वैल्यू मिलेगा। केस वन क्या लिखोगे, when a is equal to 2, a is equal to 2 है तो b का वैल्यू निकालने के लिए सस्ता इक्वेशन कौन सा आ रहा है, यही वाला है, पुट a is equal to 2 इन व्हाट इन इक्वेशन 1, चलो बोलो क्या होगा, 2 लिखा बी तो एज इट इज यहाँ पर 12, तो बी इज इक्वल टू वॉट 12, देखो 12 लिखा, 2 इससे मल्टीप्लाई करो इससे डिवाइड, बी इज इक्वल टू वॉट 6, ये क्लियर होना चाहिए, मतलब हैंस बोल सकता हूँ हैंस वॉट ए इज इक्वल टू वॉट 2, तो बी का वैल्यू आएगा 6, तो केस टू क्या लिखोगे वैन ए इज इक्वल टू वॉट क्या लिखोगे, वैन ए इज इक्वल टू वॉट -2, यहाँ तक क्लियर है, पुट ए इज इक्वल टू वॉट -2 सस्ता वाला इक्वेशन दिखने का, किसमें भी फेंको सस्ता वाला दिखना चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पर बोलो क्या दिख रहा है 1, ए के जगह पे -2 और यहाँ पर बी इज इक्वल टू 12, अब तुम लोगों को मालूम पड़ेगा मेरा मैटर क्या, बी के नीचे बी लिखो इज इक्वल टू 12 -2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, डोंट थिंक कि -2 उधर जाके +2 करेगा यार, मेरा बद्दुआ लग जाएगा, बी के साथ -2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू वॉट -2 कभी भी ऊपर लिखा करो 2 1 2 6, तो हैंस लिखो हैंस ए का वैल्यू क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू -2 तो बी का वैल्यू भी -6, ये क्लियर होना चाहिए, होप सो तुम लोग को मजा आता रहेगा, ऐसा तो लगता नहीं रहेगा, प्लीज इंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अरे यार तुमसे ही पूछ रहा हूँ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ग्रेट चलो इसको कॉपी कर लो। चलो गाइस अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सर आप ईच एंड एवरी सम्स कवर करने वाले हैं, आंसर इज यस, क्यों, क्योंकि हर एक सम में मैं कुछ ना कुछ बताता हूँ, बच्चे लोग सोचते बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे लोग सोचते हैं, तो ये भी देखो तुम लोग ट्राई करो, सर ये कौन सा है, ये देखो यहाँ पर ये वाला लगने वाला डिवीजन वाला,
रिफर लेक्चर नंबर 03। सर डिवीजन लेक्चर नंबर 03 ये कैसा आएगा? रुको गाइस, मुझे क्या चाहिए? ए प्लस बी आई। यहाँ पर अगर तुम लोग सोचोगे, यहाँ पर देख, ऐसा मत बोलना सर रियल तीन और ए मतलब आई के साथ कौन है माइनस टू और यहाँ पर आई के साथ कौन है बी, ऐसा मेरा बद्दुआ लग जाएगा। ये ऊपर रहता ना अगर ऐसा ए प्लस आई बी इज इक्वल टू थ्री माइनस टू आई, तो मैं बोलता रियल वाला कौन है ये दिखता है, ए इज इक्वल टू थ्री लिखता और आई के साथ कौन है इधर बी और आई के साथ इधर कौन है माइनस टू, ऐसा हो जाता काम। ये क्लियर हो गया तो करो, ये ऐसा होता तो, ऐसा होता तो अब क्या करूँ यार, बहुत टेंशन वाली चीज है सर ये तो। हाँ है ना, देखना तू सॉल्व एक काम कर, इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लेकर आते हैं। देखो मैं तुम लोगों को गलत करने का ट्राई कर रहा हूँ, वन अपॉन ए प्लस आई बी इसको रैशनलाइज करते, याद आ रहा तुम लोगों को रैशनलाइज किसको करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से। ए प्लस आई बी है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आई बी अपॉन वॉट ए माइनस आई बी, यहाँ पर थ्री रियल तो दिख रहा और इमेजिनरी, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई वन इंटू वॉट ए माइनस आई बी बरोबर है यहाँ पर। और तुम लोगों को हमेशा बोला था जब जब रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करते टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी के, बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर मत कर देना बैठ के। और यहाँ पर कहेगा थ्री माइनस टू आई। आगे बोलो यहाँ पर कहेगा ए माइनस आई बी अपॉन वॉट, ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर आएगा और ये माइनस का माइनस, इसके अंदर दो जन दिखते हैं, ये देखो एक्स वाई के अंदर दो जन दिखते ना, ऐसा क्यूब रहेगा तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ये तो सेम अप्रोच हो गया। अगर रूट वाला रहेगा ना तो रूट वाला इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, ये क्लियर रखने का सबको। तो यहाँ पर माइनस इसका क्या होगा आई स्क्वायर और इसका क्या होगा बी स्क्वायर, यहाँ पर थ्री माइनस टू आई। आगे सोच के बोलो यहाँ पर क्या होगा ए माइनस आई बी अपॉन वॉट ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन ऑलरेडी हो चुका, माइनस माइनस हो गया प्लस मतलब बी स्क्वायर, यहाँ पर थ्री माइनस टू आई। अब यहाँ पर इसका ब्रेकअप करते हैं, ये याद आ रहा है इसको पूरे एक टर्म ही लेने का, ये इसके पास भी जाता है ये इसके पास भी जाता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिख रहा है माइनस आई लिखो यहाँ पर बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट थ्री माइनस टू आई। कहीं थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दो, इक्वेटिंग वॉट क्या लिखोगे, इक्वेटिंग इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी क्या आएगा बोलो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी मतलब रियल दिखता ही है यहाँ पर ए अपॉन में वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, बोलो यहाँ पर क्या आएगा थ्री दिख रहा है ये सबको, यस और नो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इमेजिनरी मतलब आई के साथ कौन चिपका हुआ, आई के साथ माइनस बी चिपका हुआ है। अच्छा इसको डब्बा बनाते हैं सर, आपने बोलते हो यहाँ पर आई के साथ कौन है माइनस बी, यहाँ पर इज इक्वल टू वॉट, बोलो आगे क्या आएगा माइनस बी नहीं है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बोलो गाइस आगे क्या होएगा बोलो, सोच के बोलो यहाँ पर इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर आई के साथ कौन है माइनस टू, ये माइनस माइनस गेट कैंसिल इसको तो हटा सकते हो, बी इज इक्वल टू वॉट बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट टू। गाइस मैंने ये इंटेंशनली रॉन्ग दिया है, क्यों मैं बता रहा हूँ, मैंने मुझे ऐसा लग रहा है बहुत तकलीफ होगा बच्चे को अगर मैं बोलूंगा कि ए का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर साइमल्टेनियसली सॉल्व तो हो रहा नहीं है, तो अब क्या करूँ, सोच के बोलो देखो यहाँ पर अगर सॉल्व करने वाला, मैं ट्राई कर रहा हूँ, गलती हो सकता है इंसान हूँ, मैंने बोला ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो चलो ट्राई करते हैं यार क्या होगा, सोचो जरा थोड़ा दिमाग लगा के बात कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते, मतलब समझ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते, यहाँ पर देखना सबके सब यहाँ पर गाइस दोनों जगह मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या करता हूँ ये डिनोमीटर में ना इसको इधर लेके जाता हूँ इसको इधर, मतलब देखो दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ पर साइमल्टेनियसली ना क्वेश्चन नंबर वन ना क्वेश्चन नंबर टू ना क्वेश्चन नंबर थ्री ना क्वेश्चन नंबर फोर, ये कौन सा पांचवा, ये अलग ही दुनिया का क्वेश्चन है। चलो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसको अलग मैटर से भी ट्राई करूंगा, ये मैटर राइट होगा तो मैं भी सामने तुम्हारे करना चाहता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर जाएगा और ये इधर आएगा, मतलब ए अपॉन थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पर, हाँ या ना बोलना है। इसके बाद क्या करूंगा सोचो, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहा है, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसके अंदर फेंकोगे, इसके अंदर फेंकोगे तो क्या दिख रहा है, इसके अंदर फेंको, चलो फेंको फेंको यहाँ पर बी इज इक्वल टू वॉट, बोलो इसको फेंकेंगे क्या फेंकेंगे बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए बाय थ्री, सर ये तो गंदा बनते जा रहा है, यहाँ पर क्या आएगा ये थ्री इधर देखो बी लिखा, यहाँ पर ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई टू ए बाय थ्री, यहाँ पर क्या आएगा बी इज इक्वल टू वॉट टू ए बाय थ्री, क्या तुम लोग सोच रहे हो बी इज इक्वल टू वॉट टू ए बाय थ्री को मैं किसी एक सस्ते वाले इक्वेशन में डालूंगा, देखो अगर मैं बी इज इक्वल टू वॉट इसके अंदर फेंक देता हूं तो पूरा का पूरा ए वाला टर्म बन जाएगा, ए वाले को फिर सॉल्व करेंगे, ये लेंदी अप्रोच नहीं लग रहा तुम लोगों को, यस सर नो, अरे लेंदी अप्रोच नहीं लग रहा, इतना पूरा मेहनत करा एक तो साला इधर जमेगा नहीं अपने को, और जम भी गया तो आगे मेहनत दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो अब मैं जो बोल रहा है अप्रोच समझ लेना, इसके लिए हम लोग ने एक ट्रिक्स बनाया, क्या ट्रिक्स बनाया यहां पर देखना, ये रफ कर दिया, ये लिखना नहीं तुम लोग को बता रहा हूं,
कोई वीडियो एडिटिंग नहीं है, जानबूझ के इंटेंशनली मैंने ये किया है, ऐसा ना बोलना सर आपको आता नहीं है। अरे नहीं आता इसलिए तो सिखा रहा हूँ ना, ठीक है। अब देखो जब ऐसा कुछ आ जाएगा ना तो लाइफ में एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, कभी भी ए प्लस आई बी को अगर तुम लोग सेपरेटली कर सकते हो तो कर लेना। जैसे देखो ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई, इसको नीचे फेंक दो, मतलब 1/3 - 2i इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस आई बी, दिख रहा है यहाँ पर। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, रियल और इमेज, अभी मत बोला ए वाला ये, ये नीचे है, मेरे को अगर ऊपर रहता ना ऊपर 3 - 2i इज इक्वल टू ए प्लस आई बी तो मैं सॉल्व करता। तो अभी क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले को रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन 3 + 2i / 3 + 2i, अब देखना कैसे प्यार से सॉल्व हो जाएगा ए प्लस आई बी यहाँ पर। गाइस सबके सब नीचे वाला रैशनलाइज करेंगे तो a² - b² बनता है, देखो मल्टीप्लाई करो 3 + 2i, आगे बोलो अपन व्हाट a - b a + b, a² - b² यहाँ पर a + ib। मेरा मकसद क्या है देख लो, LHS को हमेशा z = x + iy के फॉर्म में लेकर आना। तो यहाँ पर क्या 3 + 2i तो कभी ऐड नहीं होगा, और यहाँ पर 3² - 9, ये -2² - 4 और i² - i², यहाँ तक क्लियर है a + ib, होप सो यहाँ तक समझ रहेगा। यहाँ पर अभी बोलना 3 + 2i, आगे बात कर लेता हूँ 3 + 2i, यहाँ पर बोलो 9 - 4 लिखा है, i² का वैल्यू क्या होता है -1, ठीक है। आगे a + ib, यहाँ पर 3 + 2i अपॉन व्हाट 9 - प्लस हो गया +4 इज इक्वल टू व्हाट, हर एक स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए लेंदी लग रहा है, तुम लोग चाहो तो कुछ स्टेप्स स्किप कर सकते हो। 9 + 4 = 13, यहाँ पर बरोबर है 9 + 4 = 13 ना 10, हाँ ग्रेट a + ib। अब इसका ब्रेकअप 3 13 + i पहले लिखता हूँ, चलेगा ना i अपॉन व्हाट 13 a + ib। इक्वेटिंग देखो अभी कर लो ना, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, दिख रहा है x + iy के फॉर्म में, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या लिखोगे, देखो इधर क्या रियल 3/13 और यहाँ पर क्या है रियल a, तो ये मिल गया, समझ रहा है। i के साथ कौन दिखता है 2/13, यहाँ पर i के साथ कौन दिखता है b। होप सो तुम लोगों को ये समझना चाहिए क्या लिखा मैंने, यस और नो, अगर समझा है तो प्लीज यहाँ पर ये देखो ये समझो। पहला वाला मैटर क्यों नहीं सर, आपका बोलने का मतलब क्या, सीखने वाली पॉइंट क्या है, कभी भी a + ib का अगर वैल्यू पूछा या x + iy अगर तुम लोग उसको एक बाजू लेके जा सकते हो तो सॉल्व कर लेना। जैसे कि पहले इसको कॉपी करो फिर मैं नेक्स्ट वाले का हिंट देता हूँ। चलो गाइस ये 6 वाला मैंने लिखा है, इसका भी हिंट ही देना चाहता हूँ। a + ib को सेपरेट कर सकते हो, इसके पहले देखो ऐसा भी सॉल्व होगा, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, फिर जो भी आंसर आएगा इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी, तुम लोग अगर ऐसा सॉल्व करते हो तो तुम लोग को साइमल्टेनियसली इक्वेशन देखने मिलेगा। ये क्लियर हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो एक मैटर हो गया, वो एक मैटर होगा, उसको भी ट्राई करना सेम ही आंसर आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसके जैसा लिंक करते हैं, a + ib को ऐसे रखो और यहाँ पर क्या 2 + i, ये क्या आएगा 1 + i, इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा। अब इसको मत बोला x + iy के फॉर्म में, लेफ्ट साइड वाला तो दिख रहा है x + iy के, तो इसका क्या सीन होगा, i लिखो 1 + i, मल्टीप्लाई का साइन क्या होगा कॉन्जुगेट 1 - i अपॉन व्हाट 1 - i। होप सो ये तुम लोग सॉल्व कर सकते हो एज योर होमवर्क, प्लीज आंसर मैच करना। आंसर क्या है मैं एक काम करता हूँ बता देता हूँ, रुक जाओ, a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, तुम लोग सॉल्व करना, अगर नहीं आया तो तुम्हारा आशीष सर तो है तुम्हारे लिए 3/2, एक का आंसर है 3/2 और बी का वैल्यू क्या है अपने पास -1/2, ये क्लियर रखना। चलो इतना सब सम हो गया तो ये सब तो कर ही सकते हो, तुम्हारा ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार, क्योंकि हम लोग को नीड है कि भाई बच्चे तक पहुंच सके, मेरा यही मकसद है कि बच्चे लोग को अच्छा कंटेंट दे सकूं। अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज थम तो बनता है, लाइक तो बनता है, समझ रहे। चलो हम लोग अभी डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।